बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है अली हमज़ा और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल डिफेंस वर्ल्ड। दोस्तों, बेसिकली हमारी यह वीडियो पाकिस्तान के शाहीन मिसाइल प्रोग्राम पर है। इस वीडियो के तीन पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट्स में मैं आपको पाकिस्तान के शाहीन मिसाइल प्रोग्राम के साथ साथ पाकिस्तान के शाहीन वन मिसाइल की खसूसियात के साथ साथ ये भी बताऊँगा कि पाकिस्तान ने शाहीन वन मिसाइल को इंडिया के कौन कौन से शहरों को तबाह करने के लिए बनाया था। बाकायदा नक्शा सामने रखकर आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 1995 में पाकिस्तान की दो कंपनीज यानी कि नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और नेस्कम यानी कि नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कमीशन ने एक मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया था। बेसिकली ये मिसाइल प्रोग्राम डॉक्टर समर मुबारक के अंडर था और इस प्रोग्राम का नाम पाकिस्तान के तब के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने डॉक्टर इलामा इकबाल की शायरी के सिंबल शाहीन उकाब से मुतासिर होकर शाहीन रखा था। दोस्तों, इस मिसाइल प्रोग्राम में जो पहला मिसाइल तैयार किया गया था इसका नाम था शाहीन मिसाइल। दोस्तों, इस मिसाइल का पहला कामयाब तजर्बा 1999 में किया गया था। इसके बाद भी इसके काफ़ी टेस्ट और ट्रायल्स चलते रहे और फाइनली 6 मार्च 2003 को इस मिसाइल को सर्विस में शामिल कर लिया गया। ये मिसाइल स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के हवाले किए गए। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन बेसिकली पाकिस्तान की वो फोर्सेस हैं जो कि पाकिस्तान के मिसाइलों की हिफाजत करती हैं और वक्त आने पर अपने दुश्मनों पर इन मिसाइलों को फायर करती हैं। पाकिस्तान ने अपने शाहीन वन मिसाइल का कोड नेम हतफ 4 रखा था। पाकिस्तान ने इस शाहीन मिसाइल की रेंज पर काफ़ी काम किया है और फिर इस शाहीन मिसाइल के काफ़ी वेरियंट भी बनाए गए। जैसे कि पाकिस्तान के शाहीन मिसाइल की रेंज 750 किलोमीटर थी, जबकि इसकी रेंज पर वर्क करके इसकी रेंज 900 किलोमीटर कर दी गई और फिर इसकी रेंज को मजीद बढ़ाकर 1000 किलोमीटर तक कर दिया गया और फिर इस मिसाइल का नाम शाहीन 1A रखा गया। दोस्तों, आइए सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको बताता हूँ। इसके बाद मैं आपको मैप पर बाकायदा बताऊँगा कि कौन कौन से शहरों को पाकिस्तान का ये मिसाइल हिट कर सकता है। तो दोस्तों, बेसिकली पाकिस्तान का ये मिसाइल एक शॉर्ट रेंज का सुपर क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसके अब तक 3 वेरिएंट बनाए जा चुके हैं, जो कि शाहीन मिसाइल, शाहीन 1 मिसाइल और शाहीन 1A मिसाइल हैं। इस मिसाइल की लंबाई 12 मीटर और इसका डायामीटर 1 मीटर तक है, जबकि ये मिसाइल अपने साथ सिंगल वार हेड पर मुश्तमिल 1000 किलोग्राम का वार हेड कैरी कर सकता है। इस मिसाइल के अंदर सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन को लगाया गया है जिसके बायस इस मिसाइल की स्पीड इंतहाई तेज है। मतलब कि पाकिस्तान का ये मिसाइल सुपर सोनिक क्रूज मिसाइलों की कैटेगरी में भी शुमार किया जाता है। इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 750 से लेकर 1000 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल को लॉन्च करने के लिए MAZ-543 WS-2500 ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर को इस्तेमाल किया जाता है। मजीद इस मिसाइल को स्पेस पोर्ट से भी लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों, बेसिकली स्पेस पोर्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ से स्पेस क्राफ्ट को रिसीव या फिर लॉन्च किया जाता है। आइए अब मैं आपको इसकी रेंज के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान के इस मिसाइल के जो बड़े वेरिएंट की रेंज है वो है 1000 किलोमीटर। तो मैं आपको इस रेंज के हवाले से बताऊंगा कि पाकिस्तान का ये मिसाइल कितने शहरों को तबाह कर सकता है इंडिया के। तो जैसे कि आप इस मैप पर भी देख सकते हो कि अगर पाकिस्तान इस मिसाइल को लाहौर से लॉन्च करता है तो ये कितने शहरों को तबाह कर सकता है। अगर ये मिसाइल को पाकिस्तान कराची से लॉन्च करता है तो तब ये इंडिया के कितने शहरों को तबाह करेगा, और अगर पाकिस्तान इस मिसाइल को बहावलपुर से लॉन्च करेगा तो ये कितने शहरों को तबाह करेगा। बेसिकली दोस्तों, ये फोटो बताती है कि पाकिस्तान का शाहीन वन मिसाइल इंडिया के कितने शहरों को तबाह कर सकता है। बहरहाल यहाँ पर मैं आपको इंडिया कुछ बड़े बड़े शहरों के बारे में बताता हूँ जिनको ये मिसाइल आसानी से तबाह कर सकता है। तो नाजरीन मोहतरम, पाकिस्तान के इस मिसाइल को इंडिया के पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, न्यू दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश, जयपुर, राजस्थान, इंदौर, अहमदाबाद, गुजरात और आधे मुंबई के साथ कई छोटे और बड़े शहरों को मिलाकर इंडिया के तकरीबन 50 शहरों को पाकिस्तान का शाहीन 1A मिसाइल तबाह कर सकता है। जैसे कि आप इस मैप पर भी देख सकते हो, ये इंडिया के कितने बड़े एरिया को तबाह कर सकता है। दोस्तों, एक मुमकिन अंदाजे के मुताबिक अगर पाकिस्तान के शाहीन 1A मिसाइल को अलग अलग जगह से इंडिया पर फेंका जाए तो ये मिसाइल बेसिकली इंडिया के तकरीबन 40 करोड़ आबादी सिरे से ही तबाह कर देगा, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान का ये मिसाइल अपने साथ इंतहाई खतरनाक तीन न्यूक्लियर वार हेड्स को कैरी करता है। बहरहाल दोस्तों, मेरी तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक कभी ऐसी नौबत ना लाए कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान न्यूक्लियर वार हो, क्योंकि दोस्तों ये वार ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की आखिरी वार होगी बल्कि ये पूरी दुनिया की आखिरी वार होगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान और तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज व अमान में रखे, आमीन। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मजीद कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद
ISI जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा भी लगा दें। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। और दोस्तों, हमारा एक गोल है कि हम जल्द से जल्द 1,00,000 सब्सक्राइबर हासिल करना चाहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे जल्द से जल्द 1,00,000 सब्सक्राइबर लाजमी करवा दें। मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें दुआओं में भी लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह निगेबान।